मैं सूर्यवंशी मोहन हुसैनी, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। चलिए नजर डाल लेते हैं दिन भर के कुछ खास मुख्य समाचारों पर नजर, जिन पर शामली के थाना क्षेत्र कस्बा कांदला के विकास खंड परिषद में डॉक्टर अजयपाल शर्मा शामली एसएसपी का ग्रामीण संगठन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। बुधवार दोपहर नगर के विकास कांदला परिसर में प्रधान संगठन की ओर से एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बदमाशों के छक्के छुड़ाने वाले कोनार युवा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा को फूलों का गुलदस्ता देकर प्रधान संगठन एवं क्षेत्रीय लोगों की ओर से स्वागत किया गया, जिसमें प्रधान संगठन की ओर से संजीव प्रधान ने बोलते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने अपनी बहादुरी के दम पर सामने जिले का नाम रोशन नहीं किया बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा का नाम सुनते ही बदमाशों के पसीने छूट जाते हैं। अधिकतर बदमाश या तो दुनिया छोड़कर परलोक सुधार गए हैं या कुछ दूसरे प्रदेशों में शरण लिए हुए हैं, और कुछ बदमाशों को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने लाखों के पीछे भेज दिया है। उन्होंने अपने भाषण में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा के भविष्य की भी कामना की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने भी अपने स्वागत होते हुए कहा है कि जनता का आभार व्यक्त हूँ, उन्होंने मुझे हर बुराई की सूचना दी जिसमें पुलिस ने तुरंत अमल में लाते हुए कार्रवाई की है, और इस भव्य स्वागत की हकदार जनता है, मैं नहीं हूँ। उन्होंने अपने भाषण में जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पुलिस आगे भी जनता की सुरक्षा करती रहेगी। भाजपा नेता नरेश सैनी ने भी अपने भाषण में बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा को शामली जिले के साथ साथ बागपत जिले का अधिकार देकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा के कंधों पर एक और जिम्मेदारी दी है, जिसमें भाजपा सरकार ने बागपत के पास पड़ने वाले मेरठ जिले की पुलिस अधीक्षक की जगह शामली जिले के पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने शामली जिले का ही नहीं बल्कि पूरे देश और पुलिस महकमे का नाम रोशन किया है। भव्य स्वागत में पुलिस अधीक्षक का स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोग मौजूद रहे। शामली से हमारे संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट। और अगर सिंपल सी बात में कहूँ तो ये हमारा एक लौता कर्तव्य है कि आप लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हम हर तरीके से इसका प्रयास करते हैं, अपने कलम से कोई भी ऐसा काम ना हो कि किसी निर्दोष का नुकसान, फिर भी इंसान है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती कई बार हो जाती है, तो उसके लिए तो हम हमेशा आपसे भी और भगवान से भी माफी मांगते हैं। हमारे पुलिस कप्तान साहब ने वो काम कर दिखाया कि शामली का जितने गुंडे थे या तो वो जेल में है या ऊपर पहुंच गए या शहर छोड़ के भाग गए अपने घर। आज इनका व्यक्ति साहब का जो सम्मान समारोह किया गया वो इसलिए किया गया कि इन्होंने जिले में बहुत अच्छे कार्य करे, जो जिले के टॉप 10 बदमाश थे सभी को इन्होंने कुछ अरेस्ट करा और कुछ को एनकाउंटर कर दिया और शांति व्यवस्था बना रखी बहुत अच्छी यहाँ थी और बहुत ही अच्छे तरीके से पुलिस का कार्य चल रहा है, वो सब इन्हीं की देन थी इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया है प्रधान संगठन की ओर से। कितने प्रधान मौजूद थे यहाँ पे? यहाँ प्रधान मौजूद थे 30 प्रधान 30 प्रधान 30 प्रधान मौजूद थे लगभग। तो आप सभी ने मिल हम सभी ने मिलकर इन्हें सम्मानित किया। आप प्रधान संगठन के किस पद पर तैनात हैं? मैं ब्लॉक अध्यक्ष संदीप कुमार।